स्कॉटलैंड के बैक्टीरिया विशेषज्ञ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सितंबर 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी, जो कि आधुनिक चिकित्सा में मील का पत्थर था। इसी की वजह से पहली बार बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज संभव हुआ। लेकिन इस बीच बैक्टीरिया भी प्रतिरोधी क्षमता विकसित करते जा रहे हैं, जिसका कारण जानवरों के चारे से लेकर इंसानों के इलाज में एंटीबायोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल है। अब अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों को एक नए एंटीबायोटिक एजेंट का पता चला है, जो खतरनाक बैक्टीरिया के खिलाफ इलाज में प्रभावी हो सकता है। अस्पताल में पाए जाने वाले रोगाणु घातक हो सकते हैं। बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया पर दवाएं असर नहीं कर रही हैं। हर साल दसियों हजार लोगों की इसलिए मौत हो रही है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो गए हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। इसका संबंध सिर्फ इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों पर ही नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान के दूसरे पहलुओं से भी है। कीमोथेरेपी हो, ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट, ये सब एंटीबायोटिक के बिना संभव नहीं है। बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए नई दवाओं की फौरन जरूरत है, खास उम्मीद दे रही है हमारी धरती। धरती में पाए जाने वाले बैक्टीरिया प्राकृतिक एंटीबायोटिक एजेंट पैदा करते हैं, ताकि वे दूसरे बैक्टीरिया से लड़ सकें। लेकिन जमीन में होने वाले 99% बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद हम प्रयोगशाला में बैक्टीरिया पैदा करने के लिए सही वातावरण नहीं बना पा रहे हैं। मतलब ये कि पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है और दूसरी चीजें भी वैसी नहीं है जैसी जमीन में होती है। इसीलिए उन परिस्थितियों की हम कॉपी नहीं कर सकते जिससे बैक्टीरिया ब्रीड कर सकें। पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिकों को अनजाने जमीनी बैक्टीरिया को प्राकृतिक परिस्थितियों में पैदा करने में कामयाबी मिली है। उन्होंने मल्टी चैम्बर चिप विकसित किया है, जिसमें जमीन में होने वाले बैक्टीरिया को अलग थलग कर दिया जाता है और फिर जमीन में उन्हें बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी कॉलोनी को बाद में प्रयोगशाला में आगे ब्रीड किया जा सकता है और उसके एंटीबायोटिक असर का परीक्षण किया जा सकता है। जिन 10,000 बैक्टीरिया का टेस्ट किया गया, उनमें से एक ऐसा मिला जो अत्यंत असरदार एंटीबायोटिक एजेंट का उत्पादन करता है, टाइक्सोबैक्टीन का। जर्मन शहर बॉन के मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने टाइक्सोबैक्टीन के असर के तरीके का पता कर लिया है। टाइक्सोबैक्टीन बैक्टीरिया की कोशिकाओं के खोल पर एक साथ कई जगहों पर हमला करता है। ये लक्षित तरीके से कोशिकाओं की दीवार पर हमला करता है, जिससे उनका निर्माण रुक जाता है। इस तरह ये खोल कमजोर हो जाता है और बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। बैक्टीरिया की कोशिकाएं या बीमारी का संक्रमणकर्ता सामान्य परिस्थिति में हर 20 मिनट पर बंट जाता है। शरीर बीमार करने वाले रोगाणुओं से भर जाता है। हर बार बंटने से पहले रोगाणु एक नई कोशिका दीवार बनाती है। बैक्टीरिया को टाइक्सोबैक्टीन देने से कोशिका की दीवार का बनना रुक जाता है। कोशिकाएं फट जाती हैं और मर जाती हैं। बीमारी का फैलना रुक जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। अपने को बेरोक टोक बांटने वाले बैक्टीरिया की कोशिकाओं में बीच में एक लाइन दिखती है, जहां बाद में कोशिका की दीवार बनती है। उसकी तुलना में टाइक्सोबैक्टीन से इलाज में दिखता है कि कोशिकाएं खुद को बांट नहीं सकती, विभाजन का लेयर ही नहीं होता और हम सेल के वॉल का बनना भी नहीं देखते। सेल कल्चर प्लेट में और चूहों के मामले में टाइक्सोबैक्टीन अस्पताल के कीटाणुओं के खिलाफ भी काम करता है और टीबी के रोगाणुओं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया और डायरिया पैदा करने वाले विभिन्न संक्रामक कीटाणुओं के खिलाफ भी। चूंकि टाइक्सोबैक्टीन एक साथ कई सेल वॉल को ब्लॉक कर देता है, इस बात की संभावना नहीं रहती कि बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता हासिल करे। प्रतिरोधक बनने के लिए बैक्टीरिया के एक साथ सभी मॉड्यूल को बदलना होगा, ताकि उसमें प्रतिरोध की क्षमता आए, जो करीब करीब नामुमकिन है। टाइक्सोबैक्टीन के इलाज का तरीका एंटीबायोटिक शोध में नया मोड़ है, लेकिन इंसान पर उसके असर और सहनशीलता के सबूत मिलने बाकी हैं।